Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you your SST chapter, and the name of your chapter is My Neighborhood. Neighborhood means पड़ोस में. So the meaning of your chapter is मेरे पड़ोस में. In this chapter we discuss about different people who are living near our house. So let's start your chapter. A neighborhood is a place that is near or around our house. There are many places in our neighborhood, such as houses, parks, schools, markets, etc. नेबरहुड आपकी वो जगह है जो हमारे घर के पास और हमारे घर के चारों तरफ या हमारे घर के नज़दीक होती है. ओके, अब देयर आर मैनी प्लेसेस इन आर नेबरहुड. हमारे घर के पास, हमारे पड़ोस में कई सारी जगह होती हैं, जैसे कि हाउसेस मीन्स घर, पार्क्स, स्कूल, मार्केट्स एट्सेट्रा. तो आप जिस जगह रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, ये सब जगह आपके घर के आसपास होती है. आपके घर के पास मार्केट भी होते हैं, पार्क भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं. ओके, द पीपल लिविंग नियर आर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स. जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेबर्स मतलब पड़ोसी. वी शुड बी वेरी फ्रेंडली विद आर नेबर्स बिकॉज दे कैन हेल्प अस इन मैनी इवन एंड ऑड ऑफ आर लाइफ. हमें अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, बिल्कुल भाईचारे से रहना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके पड़ोसी ही आपके काम आते हैं. अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी होगी, तो सबसे पहले आप किससे मदद मांगोगे, अपने नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों से. ओके, सम ऑफ द नेबरहुड प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो. अब यहाँ पर कुछ आपकी नेबरहुड प्लेसेस मतलब आपके घर के आसपास जो भी जगह होती है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. सो योर फर्स्ट प्लेस इज स्कूल. सबसे पहले हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी एंड लर्न मैनी थिंग. स्कूल आपकी वो जगह है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए जाते हैं. जैसे कि आप लोग भी जाते हो स्कूल में, तो आप स्कूल में क्यों जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और स्टडीज मीन्स पढ़ने के लिए. इट्स अ पिक्चर ऑफ अ स्कूल. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. A hospital is a place where sick and injured people are treated. Hospital आपकी वो जगह है जहाँ बीमार और घायल लोगों को देखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है. It has many doctors and nurses. Hospital में आपके कई सारे doctors और nurses होती हैं. Next is market. A market is a place having many shops that sell the items of our daily needs. Market means bazaar आपकी वो जगह होती है जहाँ पे कई सारी दुकानें होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा की जीवन की जो चीज़ें हैं उनको सेल करती हैं, उनको बेचती हैं. जैसे कि आपका सब्ज़ी की दुकान हो गई, आपके जनरल स्टोर्स हो गए, ओके, आपकी मेडिकल शॉप्स हो गई. तो इन सब जो सामान है ये आप कहाँ से लेते हो, नियर बाय योर मार्केट. आपके मार घर के पास जो मार्केट है जहाँ पे इन सब चीज़ों की क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप क्या करते हो, अपनी डेली नीड्स का सामान लेते हो. नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन. अब पुलिस स्टेशन इज़ अ प्लेस वेयर पुलिस वर्क डे एंड नाइट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी. अब पुलिस स्टेशन आपकी वो जगह होती है जहाँ पुलिस दिन और रात काम करती है
लॉ और ऑर्डर को सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए, नियम और कानून को बनाए रखने के लिए आपकी जो पुलिस है वो दिन और रात काम करती रहती है। दे प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, पुलिस लोगों को चोरी और डकैतियों से बचाती है। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ पुलिस स्टेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्क। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू वॉक, प्ले एंड रिलैक्स। पार्क आपकी वो जगह है जहाँ लोग वॉक करने के लिए, खेलने के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। देयर आर मैनी ट्रीज, प्लांट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स इन अ पार्क दैट कीप द एटमोसफेयर फ्रेश। अब पार्क में आपके कई सारे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल होते हैं जो वहाँ के वातावरण को क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, मीन्स ताज़ा रखते हैं। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर प्लेसेस इन आर नेबरहुड सच एज पोस्ट ऑफिस, बैंक, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट्सेट्रा दैट मेक आर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। अब हमारे पड़ोस में और भी कई सारी जगह होती है जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका बैंक हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, रेलवे स्टेशन, फायर स्टेशन, पूजा करने की जगह, तो ये सब जगह भी आपके घर के आसपास होती हैं जिससे आपका जीवन क्या बनता है, आसान और आरामदायक बन जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके घर के आसपास ना हो तो आपको कितनी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके घर के पास कोई सब्ज़ी की दुकान ना हो और वो बहुत दूर हो तो आपको कितने दूर जाना पड़ेगा सब्ज़ी लेने के लिए। इसीलिए जितनी भी जगह है वो सब आपके घर के आसपास होती हैं ताकि जो आपकी लाइफ है वो इजी और कंफर्टेबल हो सके। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट मैनी प्लेसेस नियर आर हाउसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, पार्क। इन सब प्लेसेस के बारे में आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है जिस चैप्टर का नाम था माय नेबरहुड। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर माय नेबरहुड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।